Hello guys, this is Mansi from evithadi.in. And now we're going to start with exercise 14.5. This is question number 1. So in this question we have draw AB of length 7.3 cm. So आपको एक line segment draw करनी है AB and इसकी length होनी चाहिए 7.3 cm. And find its excess of symmetry. और इसमें आपको find करना है excess of symmetry. Excess of symmetry क्या होता है? अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, ये अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखे। परपेंडिकुलर मींस जैसे ये लाइन है तो इसका कोई परपेंडिकुलर होगा दिस वन, जो कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बट जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं, सो बाइसेक्टर क्या करता है, लाइन में 90 डिग्री का एंगल तो बनाता है, लेकिन जहां पे ये एंगल बनाता है उस पॉइंट से ये जिस लाइन की परपेंडिकुलर है उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए बी है, अब इसकी मिडिल से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, सो एक तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और इस ए बी को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ओके, सो ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया एंड जिसका ये परपेंडिकुलर, जिस भी लाइन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहाँ पे इस 7.3 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट बताई है हमने, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। सो अब हम कैसे करेंगे, लेट्स। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करना है 7.3 सेंटीमीटर का। सो वी यूज अ रूलर एंड देन यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज 7.3 सेंटीमीटर। नाउ वी नेम इट ए बी। ओके, अब आपको निकालनी है इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री और एज वी हैव डिस्कस्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो व्हाट यू विल डू इज आपको अपनी कंपास को, ये जो हमने ए बी बनाया है, इसके हाफ से ज्यादा ओपन करना है। जैसे ए पॉइंट तक गए आप एंड देन इसको ओपन किया, मे बी इतना ओपन कर लेते हैं, हाफ से ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे हम ऊपर इस तरह से एंड इसी तरह से एक नीचे आग बनाएंगे, राइट। सो बी पॉइंट से एक आग ऊपर बनाई, एक आग नीचे बनाई। सिमिलरली ए पॉइंट से भी यही चीज करनी है, ए पॉइंट पे निडल रखी एंड देन एक आग हमने ऊपर की साइड बना दी और एक आग नीचे की साइड, ठीक है। अब आपके पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए हैं, एक तो ऊपर वाला दिस वन, सिमिलरली नीचे यहां पे एक पॉइंट आया है ये वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो इसको हमें ज्वाइन करना है। अब ये जो आपके पास लाइन आई है इसको नीचे तक एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट। सो अब ये जो आपके पास लाइन आई है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या आप बोल सकते हो एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब ये लाइन क्या करेगी, ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब अगर ये पॉइंट मैं ओ ले लूं, सो हियर ए ओ विल बी इक्वल टू ओ बी, मतलब ये और ये पॉइंट अब इक्वल है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.5। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.5। So in this question we have draw a line segment of length 9.5 cm. अब आपको एक line segment draw करनी है जिसकी length होगी 9.5 cm and construct its perpendicular bisector, और उस line का हमें perpendicular bisector construct करना है। अभी last question में हमने यही same चीज करी थी। So सबसे पहला step होगा, we draw a line segment कितनी length की, 9.5 सेंटीमीटर की। लेट्स नेम इट पी क्यू। सो इस लाइन सेगमेंट का हमने नेम दे दिया पी क्यू। अब आपको इसका परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर बनाना है। सिंस हमने लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ करके देखा था, तो यहाँ मैं आपको और ली स्टेप्स बता रही हूँ। सो आपको अपनी कंपास ओपन करनी है रैंडमली, यहाँ पे इससे हाफ से थोड़ा ज्यादा ले लेना, इतना ओपन कर लेना, ठीक है। देन पी पॉइंट से एक आग डालेंगे हम, पी पे निडल रख के आग डालेंगे। सिमिलरली देन क्यू पॉइंट पे उतना ही कंपास को ओपन रखना है, क्यू पॉइंट से निडल प्लेस करके एक आग डालेंगे लाइक दिस, ओके। एंड जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, लेट्स मार्क इट एज ए, ओके। सिमिलरली जो चीज ऊपर करी है सेम वही स्टेप, पी से नीचे की साइड आग डालेंगे, देन क्यू से नीचे की साइड आग डालेंगे, ओके। देन इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ऑल्सो इस पॉइंट को भी आप नेम दे सकते हो, लेट्स सपोज हमने पी नेम दे दिया, सो ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी, ओके। So this was question number 2 of exercise 14.5. Let's come to the next question. Now we are starting with question number 4 of exercise 14.5. So in this question we have draw a line segment of length 12.8 cm. Ab aapko ek line segment draw karni hai which is 12.8 cm. Okay? And iska name nahi given, so we can take it PQ. Then using compasses divide it into 4 equal parts. अब आपको compass की help से इसको 4 equal parts में divide करना है, मतलब इस तरह से अगर जैसे ये cut कर रहे हैं और ये point को मैंने name दे दिया A, B and C, so PA should be equal to AB, BC and CQ. Similarly ये चारों sides आपकी, चारों parts आपके equal होने चाहिए, ठीक है। वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट, अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, एक्चुअल स्केल से रूलर की हेल्प से आप उसे मेजर करके दिखोगे कि ये सही डिवाइड हुए हैं इक्वल पार्ट्स में या नहीं। सो अगेन इट्स अ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन, सो लेट्स सी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। सो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 12.8 सेंटीमीटर का, सो वी यूज अ रूलर एंड एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हम 12.8 सेंटीमीटर का। सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड देन इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 12.8 सेंटीमीटर का, लेट्स नेम इट ए बी। अब आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो वो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके करेंगे। कैसे, सबसे पहले ये जो ए बी है अपनी कंपास को हम ओपन करेंगे मोर देन हाफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे, एंड देन यहां से आग डालना स्टार्ट करेंगे इस तरह से ऊपर एंड नीचे की साइड भी। देन फ्रॉम पॉइंट ए सेम चीज करेंगे हम, जो पहले आग डाली है उनको इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह से एंड इस तरह से, ओके। अब ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, सो इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पॉइंट आया लेट्स कॉल इट पॉइंट सी, अब यहां पे ए बी को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो जैसे आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ऐसे ही हम अब ए सी का परपेंडिकुलर बनाएंगे, देन सी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सो अब आपको अपनी कंपास को, सिंस हम ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, सो हम कंपास के रेडियस को रखेंगे मोर देन हाफ ऑफ ए सी, एंड देन सी पॉइंट से एक आग ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। सिमिलरली ए पॉइंट से आग ड्रॉ करेंगे जो इन आग को कट करेगी और वी कैन से इंटरसेक्ट करेगी। अगेन आपके पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, इन्हें हमें ज्वाइन करना है, सो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। आप इसको नेम दे देते हैं लेट्स सपोज डी। अब एसी को एडी और डीसी में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आपने एसी में करा है सेम वही चीज हम सीबी में करेंगे। सो अगेन कंपास को मोर देन हाफ लेंगे एंड देन
पहले बी पॉइंट से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। सिमिलरली सी पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से एंड देन डाउनवर्ड्स। इनसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो बी से हम दोबारा से आर्क को एक्सटेंड करेंगे, राइट। अब आपके पास अगेन दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, सो हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से लेट्स नेम दिस पॉइंट ई। सो अब यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए हैं, इनकी हेल्प से हमने ए बी को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज ए डी डी सी सी ई एंड ई बी। अब इसको चेक करने के लिए कि ये इक्वल पार्ट्स में है या नहीं, हम इसे मेजर करेंगे। सो सबसे पहले मेजर करते हैं ए डी को। सो वी हैव ए डी 3.2 सेंटीमीटर। सो ए डी इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। सिमिलरली डी सी को मेजर करते हैं, डी सी हमारे पास आ रहा है अगेन 3.2 सेंटीमीटर। देन वील मेजर सी ई। सो सी ई इज अगेन 3.2 सेंटीमीटर। एंड देन ई बी को मेजर करेंगे, ई बी भी हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर। सो वी कैन सी ए बी को हमने यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.5। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।